नहीं मैं एक्चुअली क्या है, एक तो आपको दो तीन रीज़न बताता हूँ। एक तो मैं उत्तराखंडी हूँ, नैनीताल का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, इतने साल रहते रहते धीरे धीरे करके जो उत्तराखंडी जो लोग हैं, जो समाज है, वो धीरे धीरे करके इकट्ठा होना शुरू हुआ। तो पिछले कुछ सालों में जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं काम, वो सब धीरे धीरे करके जुड़ने लगे। उनमें से एक हमारे मित्र हैं राजेश सिंह नेगी, जिनसे मेरी मुलाकात हुई कुछ साल पहले, और हम लोगों ने एक हमारा एक ग्रुप भी है जिसको हम द हाईलैंडर्स बोलते हैं। तो उस ग्रुप का मैं हिस्सा हूँ। तो हमारे जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के, वो सब उससे जुड़े हुए हैं। तो कभी भी कोई भी फंक्शन अगर होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है या डिनर भी होता है किसी के, तो हम लोग सब साथ में मिलके ये काम करते हैं। बाहर आते हुए मैंने बताया कि हमारे पहाड़ी लोग भोले बहुत होते हैं जी। सज्जन जो होते हैं उनका लाभ कोई और लूट लेता है और वो देखते ही रह जाते हैं। फिर भी उनका भोलापन, लेकिन क्यों वो भोले क्यों हैं? क्योंकि वो भोले के गोदी में बैठे होते हैं। जितने भी हमारी कंदराएं हैं, जितने भी हमारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वो भोले की गोदी हैं, वो भोले की जटाएं हैं, और उनकी जटाओं में बिखरे हुए हम सब पहाड़ी लोग हैं। बात बेशक भोले को भी बहुत लोग फुद्दू बनाते हैं, लेकिन भोले तो भोले ही हैं, वो तो पूरी सृष्टि चलाते हैं। तो मुझे आपको ये बताना है कि ये निशंक साहब हमारे, देखिए वैसे तो संसारी रूप में तो बहुत बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, राज्य चला चुके हैं वैसे भी, लेकिन जो मन के हैं ये साहित्यकार हैं, ये एजुकेटर हैं, ये फिलोसोफर हैं। तो इन्होंने ये कहानी लिखी है और उन पर लिखी है जो राष्ट्र को समर्पित होते हैं लोग। राष्ट्र को कौन समर्पित होता है? जो थोड़ा बावला हो, थोड़े दीवानगी जिनके अंदर हो, बिना बावलेपन के, बिना दीवानेपन के,
कोई क्यों मरने जाएगा जी दुनिया में कि चलो भाई मैं मरने का काम करने जा रहा हूं। क्यों तुम क्यों कर रहे हो कुछ पढ़ाई लिखाई? मुझे मरना है। किसी की हिम्मत होती है ये बात तय करने की? लोगों को आम दुनिया को समझ नहीं आता, सबको लगता है कि सब नौकरी पे जा रहे हैं। नहीं, नौकरी तो उस जीवन का एक हिस्सा होता है, वो प्रोसेस होता है। यदि आप फ्री में जाने की कोशिश करें, बोलें कि नहीं मुझे बॉर्डर पे जाना है मरने, तो हंसेंगे सब कि ये अति बावला है। तो अति बावले को बचाने के लिए वो एक प्रोसेस होता है। आप डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करिए, उसके बाद बड़े अच्छे ऑफिसर बनिए, जिम्मेदार बनिए, अंग्रेजी में आपको अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह मिलेंगे। फिर खोल खोल रे देख बांच ले जीवन को बैठा को, इससे आगे मुझे नहीं आतो, इससे आगे नहीं आतो। भज गोविंदम। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.